हम जा रहे हैं कल्पेश्वर। इनका नाम कल्पेश्वर महादेव इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे महादेव की जटा गिरी थी। ये पंच केदार में से पांचवा केदार है और यहीं पे आके आपकी पंच केदार की यात्रा ख़त्म होती है। यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। जिन्हें संतान नहीं होती है वो यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके लिए जो पात्र दिया गया था वो महादेव ने यहीं पर पात्र दिया था जिसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे। अभी हम आपको अंदर जाके दर्शन करवाएंगे पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव को। आइए आइए कल्पेश्वर महादेव। थोड़ा काम ले लो तो कभी दिया गया। इस गुफा के अंदर विराजमान है कल्पेश्वर महादेव। अभी हम आपको कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे। आने के लिए 3 किलोमीटर तक चल के आना पड़ता था। अभी सीधा गाड़ी जाती है, आपको सिर्फ 100 मीटर चलने की जरूरत पड़ती है। तो कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने जरूर आइए और दर्शनों का लाभ लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल्पेश्वर महादेव। पास होना है, निकलना है। एक Yeah.